मदीना तैयबा के अंदर बाग मुनाफिकीन ने मेरे रसूल की इल्म पर इकरार कर दिया, इल्म नबूवत जरा कर दी। ये बात अली मुर्तजा शेरे खुदा के कानों तक पहुंची, आपने पूरे शहर में मुनादी कराई, मस्जिद नबी शरीफ में सब मदीने वाले आ जाओ, अली मुर्तजा ने खसूसी बात करी, पूरा मदीना उमंग आया। मस्जिद नबी शरीफ जहां तक निगाह जाती थी समंदर का इंसानों का, दामाद रसूल मिंबर पर आए, आके खुतबा दिया और खुतबा देते हुए ऐलान फरमाया, ऐ मदीना तैयबा के वासियो, मैंने सुना है बाग बाग नसीबों ने मेरे रसूल के इल्म पर इतराज किया, अरे देखो मुझे, मैं नबी नहीं हूँ, नबी का गुलाम अली हूँ, सलूनी अम्मा दून अल अर्श, अगर आज मुझसे अर्श आजम के मुतालिक भी सवाल करोगे तो मैं जवाब दूंगा। जमीन तो जमीन रही, अर्श के बारे में भी पूछो, पूछो क्या पूछना। एक यमनी शख्स बैठा था, उठ के खड़ा हुआ, हर रहे तरफा का या अली, अली क्या तूने अपने रब को भी कभी देखा? आपने फरमाया, झूम गया, मिंबर पर झूम गए, फर्ज की कैफियत आई हो गई। फरमाया, सवाल करने वाले सुन, खुदा की कसम मैं एक सजदा करता हूँ और दूसरा सजदा करने के लिए अपना सर उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने रब को देख नहीं लेता। जिब्रील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी कहां पर लगी है, कहां फराए सर अंजाम दे रहे हैं? मुस्कराए, मुस्कुरा बता रही थी कि आपको इल्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा एक माहौल बनाना था। आपने दाईं तरफ देखा, फिर बाईं जाने देखा, पीछे मुड़ के देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, फिर सामने देख के तबस्सुम फरमा के कहा, अली का इल्म कहता है तेरा नाम जिब्रील है।